और केवल दो लाइनें बोलता हूं, तालियां उठाना उनके लिए, मैं जितनी तालियां आपसे बजवाई उससे 10 गुना नहीं 100 गुना, क्योंकि कितने मन से आप सुन सकते हैं, उनका मन टूटा हुआ है। आपकी तालियां शायद वो हौसला दे दे जो मैं यहां सुनवाना चाहता हूं। केवल दो लाइनें उनके लिए बोलता हूं कि भारत मां के सिंह की सुननी हो हुंकार। वाह, सुनो अमित भाई, वाह बढ़िया। भारत मां के सिंह की सुननी हो हुंकार तो केवल एक नाम है, श्री हरिओम पवार। दोनों हाथ ठाकर ताली के साथ बुलाइए। मुझे लगता है मुझसे अन्याय हुआ है। अगर मुझे पता होता कि ये इतने पवित्र कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया है, मुझे बताया नहीं गया। मेरी एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, भगवान राम हमारे देवता हैं, हमारी रक्षा करते हैं। महाराज जी आपसे माफी मांग के बोलता हूँ, होंगे भगवान राम हमारे देवता लेकिन मैंने नहीं देखे, कृष्ण हमारे देवता हैं होंगे, हमारी रक्षा करते होंगे लेकिन मैंने नहीं देखे। जो मैंने देवता देखे हैं वो देवता वो हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। और यहाँ तो उन देवताओं के परिवारों के आपने दर्शन करा दिए। ये कवि सम्मेलन हमारे लिए एक तीर्थ कर लेने जैसा कवि सम्मेलन है, एक पवित्र भूमि पर और एक छोटे अंचल में इतने अच्छे लोग इकट्ठे कर लेना। निश्चित रूप से आप जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बीच में मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। और आप बीच में खड़े अब मत उठना, मैंने जिन सरकारों पर लिखा है ना वो बैठ गई, अब मत उठना इसके बाद। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झंकार व भय। क्या बात है, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मैं वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। वाह, मैं एक अपनी सबसे आसान कविता शुरू करता हूँ जो बहुत पुरानी है। एक विद्यालय में हूँ, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ 40 साल, मैं भी शिक्षक रहा हूँ 40 साल तक, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मैंने कानून पढ़ाया है। और किसी विद्यालय में जाना तो मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि संस्कार देने वाली धरती, संस्कार देने वाला एक संस्थान हिंदुस्तान में केवल विद्यालय बचे हैं, क्या बाकी और कहीं तो है नहीं। और मुझे सुनते समय यह ध्यान रखना कि कविता दल नहीं होती, कविता भाजपा नहीं है, कविता कांग्रेस नहीं है, कविता समाजवादी पार्टी नहीं है, कविता संस्कृति है, कविता संस्कार है, कविता परंपरा है, कविता मूल्य है, कविता साधना है। इस नाते और मैं तो किसी दल के लिए मुझे कुछ अच्छा बुरा मुझे कहना नहीं है, बीच में रास्ते में कोई आ जाए तो मुझे बचाना भी नहीं है। देखिए मुझे केवल बस वातावरण चाहिए, बहुत आसान कविता, इतनी आसान कि मैं आराम से आप तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक दो वो कविता सुनाऊंगा जिसमें आपको मुझ तक आना पड़ेगा। ये सब बहुत अच्छे हैं, अमित, मनबीर, हमारे सरबरस जी, मोनिका जी, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। बस मेरी तारीफ ये इसलिए करते रहे कि मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ, और कोई विशेष बात नहीं है। मैं जिस दौर से हूँ, जब होता है, मैंने सचमुच में 11 महीने बाद गा रहा हूँ। 9 महीने लॉकडाउन के कारण नहीं गया, और 2 महीने मेरे भाई बीमार थे उनके कारण, अस्पताल में सेवा में उनके कारण कहीं नहीं गया, लेकिन निकलना तो था, नहीं निकलता तो कब तक घर में रहता। मैं मनबीर का आभारी हूँ, मफतलाल अग्रवाल जी का भी, और जो यहाँ तक ला पाए आदरणीय भगवती शर्मा जी, चेयरमैन साहब, वो जिस तरह हमको यहाँ लेके आए। नहीं, पुलिस दिल्ली से आने वालों को रोक रही है, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि लौट के वापस आंदोलन में जाओ? नहीं, पुलिस में भी जाट हैं क्या? अब आने वालों को रोक रही है, उतर ना नहीं भोले साहब, ये भोली कौम है, बुरा मत मानना कोई भी, इतनी भोली कौम है कि दुनिया में इससे भोली कौम कोई पाई नहीं जाती। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं भी स्कूल में पैदा हुआ हूँ, हालांकि ये मेरे वश में नहीं था, मैं इस पर कोई गर्व तो करता नहीं हूँ, लेकिन हुआ हूँ तो अपने भोलेपन के तो गीत मैं भी गाता हूँ। हम कितने भोले हैं एक सबूत देता हूँ, चलो इसने याद दिला दी वरना मैं बीच में भी बोलने वाला नहीं था। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, अच्छा इसमें कोई बुरी बात थोड़ा ही है, कई बार मेरी नहीं हुई,
कई बार क्या, एक बार भी नहीं हुई? सच नहीं, एक बार भी नहीं, सचमुच नहीं हुई। एक तो मैं जाट, दूसरे में कवि हो गया। उन्होंने कहा कि वो तो सच मुझे, मैं प्रोफेसर बन के गया मुजफ्फरनगर। पहले बार तो वहाँ जाटों का इलाका, पूरा मुजफ्फरनगर जाटों का है। तो जो आता था वो ये सोचता था कि ये अब तक शादी क्यों, मैं 23 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गया था। तो तभी मुझे किसी ने याद दिलाया कि ये भोली कौम है। मैं उस पर एक बात बता रहा हूँ आपको, फिर कविताएँ सुनाऊँगा। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, तो दोस्तों ने कहा भाई तो ऐसा कर, देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता, शर्मा नहीं होता, जाट नहीं करते देवी की पूजा। तो उससे अगली सलाह दे दी कि हनुमान जी की कर ले। जाट छुटते ही बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन उसे समझाया, जाट तो भोला भाला, बहुत भोला। कितना भोला मैं आप सबूत सुनना चाहो तो सबूत दे सकता हूँ। जब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के मुजफ्फरनगर के जाटों ने दिल्ली में कनाट प्लेस में गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे चौधरी के, लाली मुंह मीठा करो, लाला मुंह मीठा करो। लोगों ने पूछा जी क्या हो गया, बोले घनी बड़ी बात हो गई, मुंह मीठा करो। बोले जी हुआ क्या, होना के था, घनी बड़ी बात हो गई, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो भोली कौन, भोलापन, भोलेपन में ऐसे ही बोलते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए पंडित जी ने समझाया तो मान गया, लेकिन इस शर्त पे माना कि पंडित जी आप साथ चलोगे पूजा कराने। पंडित जी को दक्षिणा चाहिए थी, मिल गई। वो पूजा कराने साथ गए, मंदिर पहुंचे हनुमान जी के, पंडित जी। अच्छा जाट गया उस दिन, जिस दिन उसने अपने खेतों में हल जोता, बैलों को साथ लिया, पंडित जी से बोला पंडित जी आज टाइम है, चलो मेरे साथ पूजा करा दो। बैलों को लेकर पंडित जी पहुँच गए जाट को हनुमान जी के मंदिर में। पूजा जैसे जैसे पंडित जी कहे उन्होंने की, अंत में बोले घंटी बजा, बोले बैलों की रस्सी आप पकड़ लो। अब बैलों की रस्सी लेके घंटी कैसे बजाएं चौधरी साहब? बैलों की रस्सी पकड़ा दी पंडित जी को, उसने घंटी बजा दी। घंटी बजते ही बैल बिदक गए, बैल बिदक कर भागे तो बैलों की रस्सी का फंदा पंडित जी के हाथ में फंस गया। अब आनंद लेना, पूरा सदन ठहाके लगाना। अरे साहब मेरी तो हुई नहीं तो मुझे क्यों पहना रहे हो? इसी चक्कर में कि यही सही। आनंद लेना साहब, आपको लगे जोरदार ठहाका आपके भीतर से आनंद प्रकट होता है तो पूरा सदन आनंद ले। मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ ये कि जो ये प्रभाव डाल गए बहुत अच्छा अच्छा पढ़ के, मैं इस प्रभाव को नष्ट करना चाहता हूँ। इतना जम रहे अमित भाई, मनवीर भाई, ये भाई, ये मोनिका जी, जब इनको मालूम था कि हरिओम पवार आया है, इनको जमने की क्या जरूरत थी? बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई, घंटी बजाई तो बैल बदक गए, बैल बदक कर भागे तो पंडित जी फंसे हुए थे, हाथ में रस्सी बंधी हुई थी, पीछे पीछे पंडित जी भी भागे। अब आगे दृश्य ये है, दृश्य का आनंद लेना। आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे पंडित जी भाग रहे हैं, उसके पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर था, देवी को विनोद सूझ गया। देवी बोली पंडित जी कहाँ भागे जा रहे हो सुबह सुबह? पंडित जी बोले देवी आज तक तूने बनियों का, ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मेरा कविता पाठ नहीं था, मैं ये देख रहा था कि मैं 11 महीने बाद बोल सकता हूँ कि नहीं बोल। एक आसान कविता सुन, देखिए मैं कुछ सुनाने आया हूँ। और सचमुच मुफतलाल जी और मनवीर आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता होता कि आप ऐसे पवित्र कार्यक्रम में ले जा रहे हैं तो मैं आपसे कम से कम वो शर्तें तो नहीं लगाता जो गलती से मेरे से लग जाती हैं। हुजूर वापिस आओ, वापिस वापिस आके वहीं बैठो, और आप के उठे तो मैं मंत्री बनवा दूंगा आपको मणिपुर ले जाके। मणिपुर? और मेरी मेहरबानी है, बंगाल का नाम नहीं ले रहा। बंगाल भी कह सकते, उठिए नहीं 20 मिनट, बहुत आवश्यक हो तो ही जाइए, बहुत आवश्यक हो तो जा भी सकते हो, कई और उठे उससे बढ़िया। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, जुड़ना मुझसे एक साथ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक संसद, लेकिन जब तक
लेकिन जब तक संसद से लेकिन जब सब पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के कंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के कंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोंपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान किसान के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति गाता रहा हूँ पिछले 45 सालों से। और मैं किसान का बेटा हूं, जानते हो क्यों बता रहा हूं? मैं जिस भी दिन कविता सुनाता हूं मैं रोज बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। बेटे बैठ जाओ, ऐसे नहीं उठेंगे आप, मैं पहली बार आया हूं इसलिए आप ये भी सीखो कविता सुनी कैसे जाती है। ये कोई पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा जब उठ के चल देगा, अच्छे संसद नहीं है ये अनुशासनहीनता वहां होती है तब सम्मेलन के सदन में नहीं होती। बताता हूं मैं रोज कि मैं किसान का बेटा हूं, जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे, उन्होंने मेरी कविताएं सुनी और कविताएं सुनकर मंच पर आए और आकर बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से बताता फिर रहा हूं मैं किसान का बेटा हूं। अच्छे बस मैंने चाय नहीं बेची, ये मुझे पता नहीं था कि पहले उनका नंबर लगता है। सुनिए मन से सुनिए। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने ला। एक एक दृश्य देखना क्या ये देश, भगवती श्रीमान साहब आपको बताता हूँ, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। जिस मुल्क में 3 लाख लोग एक साल में भूख से मर जाएं, वो मुल्क मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ता है। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौन चरैया सूली टंग गई पंछी गाना भूल चले। आंख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखा। 6 लाइन और पढ़ता हूँ। छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो तालियां उठाना। छठी पंक्ति, एक लाइन गाने के लिए मैंने 5 लाइन जोड़ी है। हरिओम पवार कवि का नाम नहीं है, एक आग का नाम है हरिओम पवार। उस आग का नाम हरिओम पवार है, जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। छठी पंक्ति दिलों में तीर की तरह चुभे तो आपकी तालियां आसमान तक उठना चाहिए। मैं अपने छोटे भाइयों के उनके ओज की कविताओं के लिए मनवीर हों चाहे अमित हों उनको बहुत प्यार से समर्पित करता हूँ। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो प्रणाम करता हूँ आपको। और साहब मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ग्रामीण अंचल के लोग इस तरह से कविता को प्यार कर सकते हैं, कविता को सुन सकते हैं। और मैं एक बात बिना कहीं चला जाऊँगा तो मेरे मन पर बोझ रहेगा, मैं 25 साल लाल किले गया हूँ कविताएं सुनाने, 25 साल। लेकिन जिस मन से आपके विद्यालय में आपने कविताएँ सुनी हैं या सब छोटे भाइयों को सुनाए मुझे सुन रहे हैं, मैं 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन आपके इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। मैं तो ये सोच रहा था 11 महीने से कमाया नहीं है, चलो पैसे मिल रहे हैं चुपचाप ले आओ, कुछ सुनो मत सुनो। और आप जब तक सुनते रहेंगे मैं सुनाता रहूंगा, ये आपको वचन देता हूं, बस आप जुड़ के सुन लीजिए। मुझमें आप ना कोई राजनीतिक पार्टी देख सकते हैं, मुझमें आपको सिर्फ और सिर्फ देश दिखाई देगा, सिर्फ देश।
अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो चार कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकों ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। मैं कहने की हिम्मत करूंगा और आप लोग शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने वाले आप भी देवताओं के पुजारी लोग हिम्मत करना मेरी बात का समर्थन करने का। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गैरे नथू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होता देखा है। भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसीदासी है नागफनी के गमलों की। फिर समर्थन चाहता हूँ चौथी पंक्ति पर सुनना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसीदासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की शरण में ही आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियां वाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियां वाला बाग दिखाई, पूरा भारत जलियां वाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, शुद्ध राजनीति पे बोल रहा हूं, शुद्ध राजनीति पे, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते कि मैं कहां बोल रहा हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों। और मेरे जीवन की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां, संवेदनशीलता अंदर से भीतर से आती है। मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ, 2 महीना भैया को मैंने इलाज कराया, मैं नहीं टूटा, कभी नहीं रोया। उनका देहांत हो गया तब भी नहीं रोया, उनके शरीर को अग्नि दे दी गई तब भी नहीं रोया। मैं रोया तब जब उनकी अस्थियों को गंगा में प्रभावित किया, अभी 5वां दिन है, 5 दिन पहले मैं तब टूटा। मैं सोचता रहा कि मैं कपड़ा समझदार आदमी हूँ, भैया तो चले गए थे 20 तारीख को ही, अब क्या हुआ। तो पता नहीं गंगा में अस्थियाँ जाते समय किस एहसास ने मुझे भीतर तक भिगोया। संवेदनशीलता की मेरे जीवन की सर्वाधिक 2 महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ रहा हूँ, और विद्यालय को अपना एक ऐसा पूजा का मंदिर समझ के पढ़ रहा हूँ। इन 2 पंक्तियों को अपने साथ ले जाइए, सुनना। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है।